वेलकम टू फिट फॉर हेल्थ। म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन एक गंभीर बीमारी है जो शरीर में बहुत तेजी से फैलती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस कहा जाता है। ब्लैक फंगस मरीज के दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन पर भी अटैक कर सकता है। इस बीमारी से कई मरीजों की आंखों की रोशनी जा चुकी है, वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी के गलने की भी शिकायतें हैं। इसके अतिरिक्त भी तमाम दूसरी परेशानियां हैं। अगर समय रहते इसे कंट्रोल ना किया गया हो तो इससे मरीज की मौत भी हो सकती है। ब्लैक फंगस एक इंटरनल फंगल इन्फेक्शन है, जबकि त्वचा पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन दाग, गच्छे, गांठ या स्किन के बीच दिखता है। इसमें स्किन पर खुजली होती है, लेकिन ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाता है। ब्लैक फंगस की शिकायतें अक्सर कोविड रिकवरी के बाद आ रही है। इसके कई सिम्टम्स हैं, जैसे दांत दर्द, दांत टूटना, जबड़ों में दर्द, दर्द के साथ धुंधला या दोहरा दिखाई देना, सीने में दर्द और सांस लेने में भी परेशानी होना आदि। इसके अलावा इसमें व्यक्ति की आंखें लाल और पलकों पर भी सूजन दिखाई दे रहा है। नजल कंजेशन यानी नाक के पास लालिमा पड़ जाना। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में आकर करीब 54% लोगों की मौत हो जाती है। म्यूकोरमाइकोसिस मुख्य रूप से उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो पहले से ही तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएं झेल रहे हैं और उनकी दवाई ले रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में मरीज का शरीर कीटाणुओं और बीमारी से लड़ने की क्षमता खो देता है और फंगल इन्फेक्शन ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगस इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि अनदेखी करने से यह इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप कुछ बातों का ध्यान दें तो ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। इसके लिए डायबिटीज लो और कोरोना से ठीक हुए लोग ब्लड ग्लूकोज पर नजर रखें। स्टेरॉइड के इस्तेमाल में समय और डोज का पूरा ध्यान रखें या फिर बंद ही कर दें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान सैटराइल वाटर का प्रयोग करें। इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग दवाओं का इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसके साथ ही एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल दवाइयों का सावधानी से इस्तेमाल करें। खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित रखें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।